हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर रिहोलॉजी एंड डिफाइन द पॉलीमर रिहोलॉजी एंड एक्सप्लेन द ब्रीफ इन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड फ्लो। तो बेटे, इसका आंसर ये होगा कि रिहोलॉजी क्या है, एक प्रकार का साइंस है जिसमें हम डिफॉर्मेशन के बारे में, मटेरियल के फ्लो के बारे में और स्पेशली लिक्विड और मैटर्स के बारे में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। कंसर्निंग पॉलीमर, इट इज़ द साइंस ऑफ फ्लो ऑफ मेल्टिंग स्टेट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। रिहोलॉजी एक प्रकार का ऐसा साइंस होता है जिसमें हम मेल्टिंग मटेरियल के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें आता है क्रॉस लिंकिंग, जिसमें थर्मोसेट्स, इलास्टोमर्स इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं। रिहोलॉजी बिहेवियर किसी भी प्लास्टिक मटेरियल का क्या होता है, उस प्लास्टिक मटेरियल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका स्पेशल अरेंजमेंट है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, और उसके क्या इंफ्रा और इंटरनल क्या इंट्रैक्शंस हैं उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये हमें अध्ययन कराता है। जो हमारा रिहोलॉजी है वो दो शब्दों से मिल के बना है, रिहो जिसका अर्थ होता है टू फ्लो, लोगस मतलब साइंस, रिहोलॉजी द स्टडी ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर अंडर द स्ट्रेस। द स्टडी ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी लिक्विड इज इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मास्यूटिकल वर्किंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेवरल डोडेज फॉर्म, सिंपल लिक्विड जेल, आर्नामेंट्स, क्रीम एंड पेस्ट इटीसी। अब हम आते हैं, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस एंड फंडामेंटल ऑफ पीवीसी, फार्मुलेशन ऑफ मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक क्रीम, पेस्ट और लोशंस बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा आता है मटीरियल, जिसकी हम पैकेजिंग में इत्यादि में बॉटल में पोर करने के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे सामने एक शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ दिखाया गया है आपको, और इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यह ग्राफ शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच खींचा गया, और पहला हमारा लाइन जो जा रहा है न्यूटोनियन फ्लो, उसके नीचे हमारा डायलेटेंट फ्लो, और न्यूटोनियन के पास ही स्यूडोप्लास्टिक होता है, उसके आगे हमारा बिंघम प्लास्टिक होता है, उसके बाद प्लास्टिको आता है। और प्लास्टिको दो प्रकार के होते हैं, एक यील्डिंग मटेरियल होता है और एक शियर थिनिंग मटेरियल होता है। जो डायलेटेंट हमारा प्लास्टिक मटेरियल है उसको शियर थिकिंग मटेरियल के नाम से हम जानते हैं। थैंक यू बच्चों।